नमस्कार दोस्तों दोस्तों ये जो न्यूज़ सेंड की है केशव कुमार ने सेंड की है हिसार से। दोस्तों आप भी हमारे पास न्यूज़ सेंड कर सकते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम या फिर मेल आईडी के जरिए। यूनिक आईडी के आधार पर मिलेगा रोज़गार दुष्यंत, जैसा कि हमने कल रात को जो लेट रात को मीटिंग हुई थी उस हिसाब से हमने बता दिया था। अब ये अखबार में भी आ चुका है, एक बार देख लेते हैं, गौर कर लेते हैं अखबार पर क्या आएगी। जागरण संवाददाता की खबर है ये। गुरुग्राम उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने के लिए विभाग मजबूती के साथ कार्य करेगा। आगामी 2 से 3 माह में विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण करने वालों को यूनिक आईडी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसी आईडी के आधार पर युवाओं को उद्योगों व अन्य संस्थानों में रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। उसी आईडी मतलब ये जरूरी हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने यह बातें शुक्रवार को सेक्टर 18 स्थित हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान सभागार में आयोजित रोजगार विभाग की राज्य स्तरीय बैठक के दौरान कही। वह बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भविष्य में सरकार का प्रयास होगा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से नौकरी के लिए आवेदन करने वालों के लिए भी रोजगार की यूनिक आईडी जरूरी की जाएगी। दोस्तों ये बात हमने पिछली वीडियो में ही बता दी थी कि रोजगार आईडी जरूरी की जाएगी। ये आज की हमारी तीसरी वीडियो है। जो फेयर का शेड्यूल भी मुख्यालय से बनाकर जिलों को भेजा जाएगा, मतलब डिपार्टमेंट ही पहले जो फेयर का शेड्यूल बनाएगा कि ऐसे ऐसे जो फेयर होंगे, इसमें ये कंपनियां होनी चाहिए, ये सब कुछ नोटिस पहले से तैयार किया जाएगा। उसके बाद इसके अलावा रोजगार विभाग को जो पेपरलेस बनाने की दिशा में भी कार्य किया जाने की बात उन्होंने कही है। मतलब कोई भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होंगे, सब कुछ ऑनलाइन, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। दोस्तों दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस समय प्रदेश में जिला उपमंडल सत्र पर रोजगार विभाग के 55 कार्यालय हैं। हो सकता है कार्यालयों को भी बढ़ाया जाए। कार्यालयों को बढ़ाया जाएगा तो मतलब सरकारी नौकरी में भी इजाफा होगा, सक्षमों की इजाफा होगा। सक्षमों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। प्लस टू वाले सक्षमों को यहाँ पर भी मतलब एक अच्छी तरीके से देखने के लिए मिल सकता है कि जो प्लस टू करके घर पर बैठ जाते हैं उनके लिए भी एक अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि उनको भी एक प्राइवेट संस्थानों में भेजा जा सकता है। जो प्लस टू वाले कैंडिडेट हैं, जो कई भाई ऐसे हर बंदा इतनी नॉलेज नहीं होती, लेकिन उनको पहले सक्षम बना करके उनको एक अच्छी जॉब प्रदान की जाए, चाहे वो सरकारी महकमे में हो, चाहे वो डीसी रेट पे हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी में ही क्यों ना हो। तो ऐसे ऐसे दूसरे जो चला अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। दोस्तों ऐसी वीडियो शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भगवान के लिए आपका दिन शुभ रहे।